बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमेशा दी खैर। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। ख़वातीन हज़रात, एक वीडियो हमने कल अपलोड की थी और हमें फ़ौरन अनलिस्ट करनी पड़ी क्योंकि फेस टीवी प्लस का चैनल आपको कभी भी डिसइंफॉर्मेशन गलत खबर आप तक नहीं पहुँचाएगा। हुआ ये था कि हमने मरियम नवाज़ का एक बयान था जिसको हमने अपलोड किया था, बाद में पता चला कि ये इमरान खान के बयान के रद्दी अमल के तौर पर पेश किया गया था, लिहाजा ये वीडियो मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन ये इसलिए कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जब ये कहा था कि मुझे उसी तरह से मुंतखब किया गया जिस तरह सरकार दो आलम को किया गया था, तो लिहाजा मरियम ने फिर उनका रद्दी अमल दिया था। चल के वीडियो देखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कि रद्दी अमल क्या था। चलिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से चुना गया नबूवत को या जो दीन इस्लाम का मैसेज है उसको फैलाने के लिए, इसी तरह मुझे भी चुना गया, तो आप क्या बात कर रहे हैं? आपने आईने में कभी अपना मकरूह चेहरा देखा है? आपकी पूरी जिंदगी किस चीज से इबारत है, कभी आपने देखी? ये वीडियो जिन लोगों ने देखी, कमेंट किया और बहुत सी बातें भी लिखी हैं, अच्छे मैसेजेस भी आए, बुरे मैसेजेस भी आए, तो मैं माजरत चाहता हूं कि एक गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची। फेस टीवी प्लस और उसकी टीम माजरत का है। ये तरदीद थी उस पैगाम की, उस बयानी की जो इमरान खान साहब ने दिया था और ये मरियम नवाज साहबा उसका जवाब दे रही थी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एक बार फिर माजरत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर से ज़फ़र अब्बास को, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।